आनंद गिरी ने हिरासत में जाने से पहले क्या कुछ कहा है, आइए वो आपको सुनवाते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए, जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझकर के मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये बयान दिया गया है और यही बात TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए भी बताई गई आनंद गिरी द्वारा कि उनको फंसाया जा रहा है। कुछ और लोग शामिल हैं इस पूरी साजिश में, जो इस पूरे मठ से, यहाँ आश्रम से जो भी पैसा आ रहा था उसको लेकर जो हेरफेर है उसके बड़े आरोप लगाए गए और यही आरोप उनकी तरफ से पहले ये कई बार इस प्रकार का हुआ। माघ मेले में जिन संतों को जगह नहीं मिलती थी, कुंभ मेले में जिन संतों को जगह नहीं मिलती थी और वो नरेंद्र गिरी से मिल गए, तो समझ जाइए प्रशासन उनकी बात मानता था, जो कहते थे प्रशासन ऐसा करता था। एक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया था, जब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बनाए गए तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बनने के बाद समाज को प्रदूषित करने वाले कुछ ऐसे संत आ गए थे जिनके बहिष्कार का काम उन्होंने किया, जिसमें सारे देश के संतों ने उनकी बड़ी प्रशंसा किया था, समझे ना। ये बात सबसे अच्छा काम किया था उन्होंने। और वो नेतृत्व विशाल कुंभ का, देखिए मैं बताऊं, पूरे देश में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। जब ये खाना परिषद के अध्यक्ष बने तो नासिक कुंभ मेले में जो महामंत्री थे उनके आश्रम में बहुत बड़ा कार्यक्रम था विश्व हिंदू परिषद का, जिसमें मैं भी था, और उन्होंने जो कहा उस समय राम जन्मभूमि के लिए कि अब राम जन्मभूमि मंदिर बनने का समय आ गया है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद से निवेदन है कि इस काम की प्रक्रिया को तेज करें, ये उनका भाषण था। मैं बताऊं, नासिक कुंभ मेले में, उज्जैन कुंभ मेले में, हरिद्वार के कुंभ मेले में, तीर्थराज प्रयाग के कुंभ मेले में हमेशा संतों को जगह दिलाने के लिए, व्यवस्था दिलाने के लिए वो लड़ाई करते रहते थे, प्रशासन से संघर्षशील थे और उनकी बात प्रशासन मानता था। आज अचानक इस प्रकार की दुर्घटना को सुनने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा महापुरुष कैसे आत्महत्या कर सकता है, कैसे फांसी लगा सकता है, कैसे सुसाइड नोट लिख सकता है, ये बहुत जांच का विषय है। महाराज जी, तमाम साधु संतों का, तमाम नेताओं का लगातार दुखद संदेश आ रहा है, क्या कहेंगे? विश्वास तो वाकई में किसी को नहीं हो रहा है। देखिए, किसी को विश्वास हो नहीं सकता, कोई ये बात कह नहीं सकता कि ऐसा भी कभी नरेंद्र गिरी जी कर सकते हैं। जो दृश्य उनका दिखाई दिया है ये महान शोक का विषय, कष्ट का विषय। हमारे भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया है, हमारे देश के संतों का समाचार, फोन मेरे पास बार बार लोगों का आ रहा है कि वेदांति जी क्या हो गया ये। हमने कहा मुझको ही बड़ा आश्चर्य हो रहा, क्या हो गया। अभी तो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अभी निकल रहे हैं रातों रात, आज ही मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मैं सवेरे मिला था 10:30 बजे, बड़े प्रेम से बैठ के बातचीत हुआ। कल वो गए थे उनके यहाँ, कल अयोध्या भी गए थे वो, अयोध्या में उनका भाषण हुआ था और अयोध्या से सीधे लखनऊ आए, हमारी बातचीत हुई तो कहा ठीक है कल आ जाइए, तो मैं आज आया, मिला उनसे, कुछ बातचीत थी। लेकिन ये दुखद घटना की कल्पना किसी को नहीं थी, मैंने कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसी घटना भी, ऐसी दुर्घटना भी उनके साथ कभी हो सकती है। महाराज जी, हम एक चीज़ आप पूछ रहे हैं, तमाम बड़े मठ मंदिरों में अक्सर उत्तराधिकारी को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर इस तरह की संदिग्ध मौतें होती हैं लेकिन उसका कुछ निकलता नहीं। कई बड़े बड़े साधु संतों पर आरोप हैं कि क्या हुआ, क्या आपको संभावना है कि जिस तरह से अचानक ये मौत की खबर आई इसका कुछ पेच निकलेगा या ये भी ऐसे रह जाएगा? देखिए मैं बताऊं, योगी आदित्यनाथ के रहते हुए खड़यंत्रकारियों का पर्दाफाश निश्चित हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी इसकी जांच कराएंगे, हमको पूर्ण विश्वास है, और जो अभियुक्त होगा, जो खड़यंत्रकारी होगा, जिसने ऐसा दृश्य उपस्थित किया है, जिसने समाज को बदनाम करने का षड्यंत्र किया है, वो जरूर पकड़ा जाएगा। कौन व्यक्ति हो सकता है ये जांच के बाद पता चलेगा, इसलिए मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच कराई जाए और अभियुक्त को उचित दंड देने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
रामविलास वेदांती का भी ये कहना कि वो भी आश्चर्यचकित है कि इस तरह की घटना हो सकती है, महंत नरेंद्र गिरी इस तरह से सुसाइड कर सकते हैं, इसका यकीन किसी को नहीं हो रहा है। किस तरह के उनके संबंध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, केशव प्रसाद मौर्य हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अब हर कोई दुख भी व्यक्त कर रहा है उनके इस तरह से चले जाने पर। केशव प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं मीडिया के सामने, सुनिए क्या कह रहे हैं। जमीन को हथियाना चाहते थे और जो दूसरे लोग हैं उनकी भी ये साजिश हो सकती है। ठीक है, कोई भी मतलब उसमें मैंने कहा कोई भी स्तर की जांच और कोई भी अगर उनके जीवन के अंत का कोई भी पक्ष ध्यान में आएगा तो हर पक्ष की जांच की जाएगी, गहराई से जांच की जाएगी, जो दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, वो जो भी मतलब जिनको भी हिरासत में पुलिस को लेने की आवश्यकता होगी उनको हिरासत में भी लेंगे, जांच करने की जो आवश्यकता होगी वो जांच भी करेंगे। और पूज्य महाराज जी का जाना कितना बड़ा नुकसान है इस देश का और इस समाज का, और विशेष तौर से चाहे वह हमारे धार्मिक स्थल हों चाहे हमारे तीर्थ स्थल हों, सबका उसका शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। आज तो दुख का समय है, विस्तार से चर्चा कभी हम करेंगे। आखिरी सवाल, आप प्रयागराज से जुड़े रहे हैं और मंदिर आंदोलन में आप भी लगातार सक्रिय रहे हैं, हिंदू धर्म को लेकर और हिंदू संस्कृति को लेकर जिस तरीके से वो कार्य करते रहे, क्या मानते हैं कितनी बड़ी क्षति है इस चीज़ को? देखिए, अपूर्णीय क्षति है। कल भी उन्होंने कहा है, आपने मेरे मतलब ऑन कैमरा कहा उन्होंने कि श्री अखिलेश यादव जी से मेरे संबंध हैं, ये स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बाद भी हम ये मानते हैं संबंध होना अलग है, लेकिन हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति की, देश की रक्षा अगर कोई कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और 40 साल तक भाजपा को कोई हटा नहीं पाएगा, हम सारे संत समाज के लोग भाजपा के साथ हैं, यह उन्होंने कैमरे पर कहा। मैं तो कल उनकी सारी बातें इस तरह मेरे सामने कभी बात नहीं हुई कि कैमरे के सामने मैं भी बैठा हूँ, कैमरे के सामने बात कर रहे हैं, लेकिन कल वो बात कर रहे थे और उन्होंने बात किया। मैं बहुत आहत हूँ, मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं उनके अंतिम दर्शन के लिए रहा हूँ। कल ही उनकी मुलाकात हुई थी, केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात कल ही हुई थी और उसके बाद वो अयोध्या भी गए थे, कार्यक्रम था जिसका जिक्र रामविलास वेदांती ने भी किया, और उसके बाद ये सब कुछ अब जो हुआ है तो बहुत दुख भी व्यक्त किया उन्होंने और कहा भी कि हर तरह की जांच करेगी यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार हर तरह से इस पूरे मामले को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेगी, लेकिन जो कुछ हुआ है उस पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है। जिस तरह का व्यक्तित्व था महंत नरेंद्र गिरी का, इस तरह से उनका सुसाइड करना जो कि अभी बताया जा रहा है, हालांकि इसको लेकर भी अभी पूरी तरह से जांच की जाएगी, सुसाइड नोट को भी लेकर जांच की जाएगी, पूरे मामले में पुलिस हर एंगल से जांच करेगी। जानकारी ये मिल रही है कि महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम कल किया जाएगा, पोस्टमार्टम होगा, उन्होंने अपनी जो चिट्ठी लिखी है जिसे अब बताया जा रहा है कि एक बस्ते तामा की तरह लिखी गई है, उसमें उन्होंने समाधि बताने के बारे में भी बात की है। तो अखाड़ा परिषद के अधिकारियों के आने के बाद, तमाम अधिकारी जब इकट्ठा हो जाएंगे उनके आने के बाद अंतिम संस्कार पर फैसला लिया जाएगा कि कब और कैसे किया जाएगा अंतिम संस्कार। यूपी पुलिस वहीं दूसरी तरफ लगातार कार्रवाई कर रही है, नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में समाधि बनाने का जिक्र किया है और इस पर फैसला अब अखाड़ा परिषद के जो पदाधिकारी हैं वो इकट्ठा होंगे और उसके बाद अंतिम संस्कार पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन कल पोस्टमार्टम होगा, यानी मंगलवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि अभी भी पुलिस हर तरह से इस पूरे मामले की जाँच करना चाहती है। सुसाइड नोट जरूर मिला है लेकिन सुसाइड नोट की भी जाँच की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में कई और एंगल हो सकते हैं, इसके बारे में लगातार बात हो रही है। नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी जिसे गिरफ्तार हिरासत में लिया गया है, उसका भी ये कहना है कि साजिश है ये पूरा मामला। तो क्या ये साजिश है, क्या ये सुसाइड है, इस पर पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। यूपी सरकार की तरफ से कहा यह जा रहा है कि हर तरह से जो भी जरूरत होगी पुलिस को और जिस तरह से भी इस पूरे मामले की जाँच की जानी चाहिए वो किया जाएगा। कल पोस्टमार्टम होगा महंत नरेंद्र गिरी का और उसके बाद अखाड़ा परिषद के अधिकारी फैसला लेंगे अंतिम संस्कार पर। जो चिट्ठी मिली है कमरे में नरेंद्र गिरी जी के, उसमें उन्होंने समाधि बनाने का जिक्र जरूर किया है, लेकिन इस पर भी फैसला अब लिया जाएगा अखाड़ा परिषद की तरफ से। पहले उस चिट्ठी की सत्यता को लेकर जिनका पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए, जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में
उन्हीं की हत्या में जानबूझकर के मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। स्वामी जी, उसमें जो है तीन लोगों का नाम आया है, आपका भी सुसाइड नोट में नाम आया, क्या है ये सर? मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है, मैं गुरु जी की राइटिंग को पहचानता हूँ, जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा। तो अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल पोस्टमार्टम किया जाएगा, अंतिम संस्कार कैसे होगा इसको लेकर अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी फैसला लेंगे। फिलहाल यूपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिरासत में लेने के लिए उत्तराखंड पुलिस से आग्रह किया था और आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया गया है, परिवार को प्रयागराज में हिरासत में लिया गया है। अब उसके बाद यूपी पुलिस की स्पेशल टीम जाएगी हरिद्वार से, आनंद गिरी को लेकर आएगी और पूछताछ को आगे बढ़ाया जाएगा। सुसाइड नोट के बारे में भी जांच की जा रही है, तो हर एंगल से जांच की जा रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।